उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा के शासन में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, इसे भाजपा की कथनी और करनी का अंतर समझा जा सकता है। काशीपुर आगमन पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष ज्योति रौतेला का जोरदार स्वागत किया गया। महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का स्वागत करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में चुप्पी साध लेती है। लोगों की पूरी तैयारी चल रही है, लोकसभा चुनाव और निकाय के चुनाव जो चुनाव है उसके लिए लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, हम लोग हरीश राव जी, प्रीतम सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी और महिला कांग्रेस, हम लोग लगातार दौरे कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जो हमारे संगठनात्मक तैयारियां हैं, हम लोगों की महिला कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि हम हर बूथ पे 10 महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ सकें। इसलिए आज जो पूरे प्रदेश में मैंने पौड़ी लोकसभा से ये दौरा शुरू करा था, पौड़ी लोकसभा, अल्मोड़ा लोकसभा और उधम सिंह नगर में मैं आप लोगों के बीच में हूँ, हम लोग तैयारियों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि बस इलेक्शन होंगे तो हमारा जो संगठन है उसका पार्टिसिपेशन आपको बढ़ चढ़ कर दिखेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।